हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो जिसके अंदर हम कवर करने वाले हैं कि टाटा टियागो जो ईवी हमारे पास है उसके हो चुके टोटल 25,000 किलोमीटर। लास्ट टाइम हमने जो वीडियो बनाया था उसमें तकरीबन हमने 12,000 किलोमीटर के ऊपर जो है रिव्यू वीडियो बनाया था, लेकिन इस बार हम जो है उसका डबल 25,000 किलोमीटर जो है कवर कर चुके इस गाड़ी के साथ। और अब इसका जो है रिव्यू करने वाले हैं, देखने वाले कि यार कि जो ईवी ओनर है उसको किस किस तरह की प्रॉब्लम्स आई, किस तरह की चीज़ें उसके साथ अच्छी हुई, इस सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे जो मेरा पहला पॉइंट है वो है बैटरी हेल्थ के ऊपर, क्योंकि जब आप ईवी की गाड़ी ले रहे हो तो बैटरी सबसे मेजर कंसर्न होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यार जो बैटरी की जो हेल्थ है वो कैसी है, कितनी चल जाती है, वो सारी चीज़ें एक बार जानते हैं। तो देखो, जब ये गाड़ी ली थी स्टार्टिंग में जो ये माइलेज दे रही थी लगभग 250 किलोमीटर रनिंग ये एक बार फुल चार्ज में अपन निकाल रही थी, और आफ्टर 25,000 किलोमीटर बाद इसकी माइलेज में कोई डिफरेंस नहीं आया है भाई। मतलब लोग कहते हैं ना भाई, मतलब जैसे आप इसको लगातार यूज़ करोगे, आप इसको 10,000 किलोमीटर 20,000 किलोमीटर के बाद इसकी कुछ ना कुछ डाउन होगी, लेकिन मेरे हिसाब से तो मैं इसकी डेली जो है डेली की रनिंग है लगभग 80-90 किलोमीटर है, मुझे तो 1% भी ये फील नहीं हुआ है कि भाई इसकी माइलेज में कुछ 1-2% का डाउन आई है। इसी से जुड़ा हुआ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है चार्जिंग हिस्ट्री का, यानी कि मतलब अभी बताया कि बिल्कुल भी कोई डाउन नहीं आया, तो हम एक बार ये जान लेते हैं कि क्या रेगुलरली सिर्फ घर पे ही चार्ज कर रहे हैं या फिर फास्ट चार्जिंग वगैरह कितनी यूज़ की अभी 25,000 किलोमीटर के अंदर वो जानते हैं। मेरा लगातार रनिंग तो मैंने आपको पहले ही बताया 80-90 किलोमीटर होता है, लेकिन मैं मतलब रिसेंटली गया था, फरीदाबाद गया था और एक दो बार मैं जयपुर गया था, मैंने उसी के रिगार्डिंग इसको चार लगाया था, और ज़्यादातर ये अब तक मैंने इसको मैक्सिमम 7 या 8 बार तक इसको फास्ट वाले चार्ज मैंने इसको यूज़ किया है, और नहीं तो मैक्सिमम मैं इसको घर पर यूज़ करता हूँ, ऐसी कोई नहीं है। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि एक जो ईवी ओनर है वो अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस कैसे रखता है जिससे कि उसकी गाड़ी जो है लंबी भी चल पाए, साथ ही में उसकी जो बैटरी की जो हेल्थ है वो भी काफ़ी अच्छी रहे। तो अब जानते हैं मेंटेनेंस क्या डेली बेसिस पे कुछ करनी पड़ती है ईवी ओनर को या कोई ज़रूरत नहीं है मेंटेनेंस की। देखो जी, ऐसा है कि ये मैंने समय समय पर इसकी सर्विस करवाई है, और इसका मतलब वो कहते हैं ना कि ईवी गाड़ी की समय पर सर्विस हो जाए तो ये ऑटोमेटिक माइलेज अपनी दे देती हैं। वो है ना, सर्विस वाले कह रहे थे अगर इसकी बैटरी आप 20% से डाउन जाती है, बार बार डाउन जा रही है, तो आपकी जो माइलेज है उसमें आपको कुछ ना कुछ डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। क्या अभी तक कभी ऐसा हुआ कि कभी लॉन्ग टूर पे जा रहे हैं और गाड़ी जो है खराब हो गई है, ब्रेक डाउन हो गया है, तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा ईवी ओनर का, एक बार वो हमारे साथ शेयर कीजिए। तो देखो जी, मैं ये गाड़ी 25,000 के अराउंड चल चुकी है और मैं इसको लंबे लंबे मतलब यहाँ पर जयपुर फरीदाबाद गुड़गांव लेकर गया हूँ, लेकिन आज तक एक बार भी गाड़ी का ब्रेक डाउन मेरे साथ नहीं हुआ है, और गाड़ी है सही, मतलब साथ दे रही है, एक बार भी कोई धोखा वगैरह नहीं दिया है। कई बार मैं YouTube के ऊपर देखता हूँ कि लोग बोलते हैं कि यार मैंने गाड़ी 100% चार्ज कर रखी थी, कोई सॉफ्टवेयर में इश्यू आया और सडनली गाड़ी बंद पड़ गई, मैं उसको एक्सेस नहीं कर पा रहा था, तो कुछ इस तरह की इश्यू हुई कि टोटली गाड़ी ब्लैकआउट हो गई हो, यानी कुछ इस तरह की कोई चीज़? नहीं जी, ऐसा तो कोई नहीं है, लगातार मतलब सही चल रही है गाड़ी। वो शायद पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था इसका चार्जिंग पॉइंट है वो थोड़ा सा ख़राब हो गया था, लेकिन वो तो घर पर ही गाड़ी थी और ऐसी कोई दिक्कत नहीं, वो तो मतलब सर्विस वाले ने 3-4 दिन बाद वो दे दी थी, लेकिन वो है आउट ऑफ हाउस अगर घर से दूर जा रहा हूँ जब मतलब रनिंग टाइम में गाड़ी ने आज तक 1% भी धोखा नहीं दिया मेरे से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है बैटरी के रिगार्डिंग। मैं एक्चुअली यूट्यूब के ऊपर देखता रहता हूँ वीडियो, तो ईवी के जो ओनर है, जरूरी सिर्फ टाटा और भी जो गाड़ियाँ हैं उनमें आती है कि हीट की कोई इशू बताते हैं कि यार हीट ज़्यादा करती है गाड़ी क्योंकि बैटरी है, तो हीट का क्या इस तरह में कोई प्रॉब्लम देखने को मिली गाड़ी में, कोई हीट वगैरह हो रही हो बैटरी या कुछ भी? हाँ ये है, जब मैं गर्मियों में जाता था जब एसी वगैरह तो गाड़ी की ऑन रहती थी, एक या दो बार हुआ था कुछ इमरजेंसी का जो वार्निंग है वो गाड़ी में आई थी, लेकिन वो ऐसी मतलब सीरियस नहीं थी, उसको एक बार गाड़ी को ऑफ किया और मतलब जैसे ही गाड़ी को ऑन किया 1-2 सेकंड बाद वो मतलब सही हो गई थी, वो मतलब वो शायद आई थिंक वो हीट का ही वार्निंग थी कि गाड़ी में मतलब जो हीट की वार्निंग आती है ना वो दिखा रही थी, लेकिन वो तो जैसे ही गाड़ी को स्विच ऑफ किया और दोबारा से ऑन किया तो गाड़ी सही हो गई थी। तो 25,000 किलोमीटर चली गाड़ी,
और गाड़ी के अंदर जो वारंटी है वो तकरीबन 8 साल की है, और किलोमीटर में बताएं तो 1,60,000 किलोमीटर की इसकी वारंटी आती है। तो ऐसा कुछ हुआ है कि आपको कभी वारंटी लेने की ज़रूरत पड़ी और आप सर्विस सेंटर में गए हो, तो सर्विस सेंटर का कैसा एक्सपीरियंस रहा है कि कोई प्रॉब्लम लेके गए हो तो क्या तुरंत ठीक कर दी? या क्योंकि मैं बहुत देखता हूँ वीडियोस वगैरह कि टाटा की जो सर्विस है वो एक बहुत मेजर पॉइंट है, लोग उसके अंदर जो है बहुत इश्यूज़ बताते हैं कि यार वो सही से काम नहीं कर रहे या उनको नॉलेज नहीं है, तो सर्विस सेंटर का या जो वारंटी वगैरह का एक्सपीरियंस है वो एक बार हमें बताएं। जब हम गाड़ी सर्विस पर ले जाते हैं जब वो तो सेम डे दे देते हैं, लेकिन जब शायद जो जब हमने इस गाड़ी की पिछली वीडियो डाली थी उसमें वो दिक्कत थी चार्जिंग पॉइंट की, जब उन्होंने लगभग उसको डिले कर दिया था, 3 से 4 दिन का टाइम उन्होंने ले लिया था। तो मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था जो है हमारे यहाँ पर नज़दीक सर्विस सेंटर रेवाड़ी, यहाँ पर इतने अच्छे जानकार नहीं हैं, उन्होंने गुड़गांव से कोई इंजीनियर बुलाया था आई थिंक, फिर वो उसने समय ले लिया 3-4 दिन का, इसी वजह से गाड़ी वो डिले हुई। और वैसे तो उनका भी है वो मतलब सही है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट वो है कि यार गाड़ी इतना टाइम हो गई यूज़ करते हुए, तो कुछ ऐसी कमी लगी है कि यार ये कमी है टाटा की, इसके ऊपर काम करना चाहिए या ये तो ऐसा एक पॉइंट है जो होना चाहिए था? हाँ जी, ये है सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि भाई इस गाड़ी में क्या कमी है। हुआ ये था, एक बार मैं रात के टाइम आ रहा था, घर आ रहा था, इसका बैक साइड का व्हील है वो फट गया था, ईवी के अंदर है वो स्टेपनी आती नहीं है, ये तो स्टेपनी नहीं आई तो रात के टाइम पे इफ क्या करें। उन्होंने एक दे रखा था पेंचर किट था, उसको पेंचर किट बोलते हैं, पेंचर किट तो मैंने उसके अंदर लगाया वो क्या बोलते हैं गम टाइप गाला, लेकिन वो तो हल्का कोई बारीक पेंचर है उसमें तो काम दे देता है, लेकिन वो तो ज़्यादा टायर फट गया था, इस वजह से ये दिक्कत आई थी। मैं तो यही कहूँगा कि एक मतलब इतनी महंगी गाड़ी दे रहे हैं तो एक वो स्टेप नहीं दे देते तो इसकी दिक्कत नहीं आती। जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि हम जो गाड़ी है इन्होंने जो ली थी वो समवेयर अराउंड फरवरी के लास्ट में ली थी, तो गर्मियों का जो सीज़न है वो ये गाड़ी देख चुकी है, और सर्दियां जहाँ भी मैं वीडियो बना रहा हूँ ये तकरीबन एंड ऑफ दिसंबर है, तो अभी तक क्या कुछ ऐसा लगा है कि यार कोल्ड यानी सर्दियाँ जब हो रही हैं तो गाड़ी की परफॉर्मेंस में कोई इश्यू आया हो, या कोई ऐसा लगा हो कि यार बहुत जल्दी गाड़ी डिस्चार्ज हो रही है, या सुबह स्टार्ट होने में कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है ऐसी क्या? नहीं, ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये तो ज़रूर कह सकते हो भाई, गर्मियों में अगर गाड़ी ले जाते हो उसमें माइलेज थोड़ी बहुत इसकी डाउन रहती है, क्योंकि उसके अंदर आगे एक फ़ैन रहता है वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है, उस वजह से बैटरी भी थोड़ी बहुत डाउन आ जाती है। हाँ मैं ये कहूँगा कि सर्दियों में इसकी माइलेज ज़्यादा आएगी और गर्मियों में इसकी डाउन हो जाएगी, लेकिन को मैक्सिमम 10-12 किलोमीटर का फर्क आएगा, इतना भी कोई बड़ा गैप नहीं है। नेक्स्ट जो पॉइंट है यार वो अभी भी जैसे बहुत सारे लोग जो है ईवी लेने से डर रहे हैं, उसका रीज़न है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर। लोग बहुत बोलते हैं कि यार हम जो है अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे हैं वहाँ पे बहुत सारे चार्जिंग स्टेशन है, दिल्ली टू जयपुर जा रहे हैं वहाँ भी बहुत सारे हैं, लेकिन कई ऐसे रूट्स भी होते हैं जो है तो लंबे लेकिन वहाँ पे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, उसकी वजह से लोग जो है ईवी जो इनको लेने से डरते हैं। तो अपना अभी तक क्या एक्सपीरियंस रहा है, कहीं बाहर गए हैं तो अगर फास्ट चार्जिंग ढूंढ रहे हैं तो क्या इजीली मिले नहीं मिले, तो कैसा रहा एक बार वो हमें बताएं। मैंने आपको बताया था मैं फरीदाबाद गया था, गुड़गांव दिल्ली जाता रहता हूं, और यहां पर तो मतलब बहुत सारे इसके स्टेशन बने हुए हैं, इसकी 2 ऐप दे रखी हैं, उसमें आप जैसे ही आप सर्च करोगे तो जो भी आपके नियर बाई होगा सबसे पहले वो दिखाएगा। और तो मेरा तो ये मानना है ऐसी कोई ये कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, मतलब हर अराउंड 10-20 किलोमीटर के अंतराल में आपको कोई ना कोई फास्ट चार्जर का इसका स्टेशन मिल जाएगा। अगर आप कहीं पर लंबे रूट पर जा रहे हो, जैसे आप चले गए मनाली, चले गए कुल्लू, उत्तराखंड में चले गए, तो वहाँ पर आपको एक ऐलान बनाना पड़ेगा कि भाई इसके अंदर है या नहीं है। वहाँ पर मैं नहीं गया हूँ, लेकिन मेरा तो यहीं लोकल में ही काम रहता है, आज तक तो मुझे तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं आई है भाई मेरे इस गाड़ी के, ये गाड़ी में वहाँ पर नहीं ले जा सकता, इसके अंदर वहाँ पर चार्जिंग स्टेशन नहीं मिलेगा। एक दूसरा मैंने कई यूज़र्स की वीडियो देखी जहाँ पे उनके पास ओला इलेक्ट्रिक का स्कूटर था और वो दिल्ली के अंदर चार्जिंग स्टेशन ढूंढ रहे थे, बहुत सारे चार्जिंग स्टेशन ऐसे मिले जो कि वहाँ पे ऐप के अंदर तो दिखा रहा था लेकिन वैसे में या तो वो टूटे हुए थे या ख़राब पड़े थे,
तो ऐसे में उनको नुकसान ये हुआ कि उनका टाइम एक तो ख़राब हुआ चार्जिंग स्टेशन ढूंढने में, दूसरा वो चार्ज नहीं कर पाए। तो अपने साथ अभी तक कुछ ऐसा हुआ है कि यार कहीं गए हों, ऐप में दिखा रहा हो काफ़ी दूर किलोमीटर चले गए हों और पता चला वो काम नहीं कर रहा या कुछ ऐसा इशू? हाँ ऐसा है, एक दो जगह पर मतलब जाते हैं, वहाँ पर जैसे ही गुड़गांव गया था मैं, तो वहाँ पर मैंने एक दो जगह सर्च भी किया था, उस लोकेशन पे भी गया था। उस लोकेशन पे वहाँ से जब मैं इंक्वायरी करी, ये बोल रहे थे भी ये तो हमारा खुद का है, हम तो ये बाहर की गाड़ी को लगाने चाह रहे थे, मतलब बाहर की गाड़ी को नहीं लगाने देते चार्ज, और एक एक आउटो मतलब बाहर की कंपनी थी उसने लगा रखा है चार्ज पॉइंट, लेकिन वहाँ पर भी कुछ इश्यू वगैरह हो रहा था, लेकिन वहाँ पर गाड़ी चार्ज नहीं हो पाई मेरी। लेकिन जो टाटा की ऐप है उसमें आपको जो भी चार्जिंग स्टेशन मिलेंगे वो आपको ऑन मिलेंगे, उसमें आप जा सकते ओके, जो हैं। फाइनल चीज़ है वो सिंपल सा ये है कि क्या कोई बंदा जिसके पास कम्बशन इंजन वाली गाड़ी है, क्या वो जो है ईवी के ऊपर स्विच कर सकता है, या कोई बंदा सोच रहा है लेने की, तो क्या उसे ईवी गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं? ऐसी बात ऐसी है, क्योंकि ईवी गाड़ी उसको लेनी चाहिए, 100% लेनी चाहिए। इसमें बताओ इसमें कमी क्या है, ये गाड़ी अब तक 25,000 किलोमीटर चल गई, आज से मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब ये अगर मैं कोई सीएनजी पेट्रोल गाड़ी लेता तो 25,000 में लगभग लाख या 1.25 लाख का सीएनजी और पेट्रोल वो गाड़ी खा जाती है। इसमें अंदर मैंने इसको लगातार ही घर पर यूज़ किया है, तो आज तक मेरे लगभग 7-8 हज़ार रुपये की जो है बिजली का बिल एक्स्ट्रा आया है। और दूसरी बात यह है कि मतलब कई मेरे को कहते हैं भाई यार कहीं पर लंबे रूट पर चले गए तो वहाँ पर कैसे जाएंगे, तो वो है ना लंबे रूट पर गाड़ी जाएगी, मैं खुद लेकर जाऊँगा। ये जैसे मतलब जनवरी आएगी तो मैं इसको वहाँ अयोध्या में लेकर जाऊँगा, तो वो एक प्लान होता है कि आप उस प्लान के हिसाब से गाड़ी को कहीं पर भी ले जा सकते हो। इनके अलावा जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके कोई और डाउट है तो वो आप हमें बता सकते हैं, हम आपके लिए एक नया वीडियो बना देंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।